अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। मैं तुमसे एक मोटी मोटी बात बताना चाहता हूँ कि ना तो कुछ सही है ना तो कुछ गलत। एक ही गलत आदत तुम्हारे भीतर है, जो कुछ भी तुम करते हो उसमें दुखी होने का कारण ढूंढ लेते हो। जो कुछ भी करते हो उसमें दुखी होने का कारण ढूंढ लेते हो, और यही सबसे बुरी आदत है। इस आदत को छोड़ देना ही एक काम है। इस आदत को छोड़ दिया आपने तो इसके बाद जो आप काम करेंगे वो काम सही होगा, वो काम गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि हंसता हुआ आदमी कभी गलत काम कर ही नहीं सकता है। यही एक बात महत्वपूर्ण है कि तुम जिंदगी की घटनाओं में दुखी होने का कारण खोजना छोड़ दो, दुखी होने का कारण खोजने की आदत छोड़ दो। कम से कम इतना मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तुम इतना काबिल हो जाओगे कि आगे की यात्रा कर सको। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं योगस्थः कुरु कर्मणि, यानी अर्जुन पहले तू योग की अवस्था में हो जा, फिर कर्मों को कर, फिर जो कर्म करेगा वो सारे कर्म सही होंगे, सारे कर्मों का परिणाम तुम्हें मिलेगा, सारे कर्मों में तुम्हें सफलता मिलेगी। तो योग में स्थित हो जा, योग की अवस्था में हो जा, ये कहने का अर्थ है कि पहले स्वयं को ठीक कर ले, पहले स्वयं को ठीक कर ले, उसके बाद जो भी करो वो काम सारे सही होने लगेंगे, गलत हो ही नहीं सकते। यानी स्वयं को ठीक करने का अर्थ है जब तुम खुशी खुशी जीने लगोगे तो यही परिणाम है, यही कसौटी है कि तुमने स्वयं को व्यवस्थित कर लिया है, ठीक कर लिया है। अगर तुमने स्वयं को व्यवस्थित नहीं किया, ठीक नहीं किया, तो खुशी खुशी रह ही नहीं सकते हो। खुशी खुशी रहो, तुम्हारे भीतर की इस व्यवस्था ठीक हो जाए, यही तो तुम योगस्थ हो गए। लेकिन सारे लोग अपना ये मशीनरी गड़बड़ किए हुए हैं। अगर वे खुशी खुशी जी नहीं रहे हैं तो समझ लेना मशीनरी गड़बड़ है। अब मशीनरी गड़बड़ है यानी जैसे आप हैं वैसे ही कामों को करने में उतर जाते हैं, इसी के कारण सारी गड़बड़ होती है, इसी के कारण सारे उपद्रव होते हैं। मैं कहता हूँ तुम किसी दूसरे से अपेक्षा करना छोड़ दो, तुम पत्नी से अपेक्षा छोड़ दो, तुम पति से अपेक्षा करना छोड़ दो, तुम बच्चों से अपेक्षा करना छोड़ दो, पड़ोसियों से अपेक्षा करना छोड़ दो, संबंधियों से अपेक्षा करना छोड़ दो, हर एक से अपेक्षा करना छोड़ दो। सबसे पहला काम करो स्वयं को भीतर से ठीक कर लो। स्वयं को भीतर से ठीक करने का अर्थ है खुशी खुशी जीना शुरू कर दो, उसके बाद तुम एक नए जीवन में प्रवेश कर जाओगे। अभी तुम्हारी हालात उल्टी है, अभी तुम क्या करते हो, अभी तुम जैसे हो वैसे जिंदगी के सब काम करने लगते हो, वैसे ही पूजा पाठ मंत्र माला करने लगते हो। अब खुशी खुशी जी नहीं रहे हो, प्राणों में क्रोध भरा है, चिंता में हो, तनाव में हो, और कोई माला लेकर बैठ गया है, कोई रामचरितमानस का पाठ कर रहा है, कोई गीता का पाठ कर रहा है, कोई कथा का कहलवा रहा है, कोई सती का पाठ कर रहा है, कोई पंडित जी को बुला के पूजा करा रहा है। अब तुम्हारी भीतर की व्यवस्था गड़बड़ है, तुम कुछ भी कराओ सबका परिणाम उल्टा होगा। ये तो ऐसे है कि तुम यात्रा पर निकल जाते हो और ठीक अवस्था में नहीं हो। अगर तुम्हें कार से यात्रा करनी है और अपने मंजिल पे पहुंचना है और तुम्हारी कार के दो पहिए ढीले पड़े हैं, गाड़ी जैक पर खड़ी है और तुम सीट पे बैठ जाते हो, स्टीयरिंग हाथ में ले लेते हो और गाड़ी को चलाना शुरू कर देते हो, इसका परिणाम क्या होगा? तुम कभी यात्रा कर पाओगे? कभी मंजिल पे पहुंच पाओगे? कभी नहीं। इसलिए पहला काम है स्वयं को व्यवस्थित कर लो। स्वयं को व्यवस्थित करने का तरीका यानी खुशी खुशी जीने की अवस्था तुम्हें उपलब्ध हो जाए। इसके लिए एक सूत्र मैंने बताया आपको कि जिंदगी में जो भी जिस भी अवस्था में हो उसके प्रति शिकायत नहीं, उसमें कोई ना कोई अच्छाई
जरूर छिपी होगी, उसको खोज लो। अभी तुम्हारी आदत बिल्कुल उल्टी है, अभी तुम जहाँ भी जिस अवस्था में भी हो उसमें की जितनी नेगेटिव चीज़ें हैं, नकारात्मक चीज़ें हैं, गड़बड़ चीज़ें हैं, बुराइयाँ हैं, उन बुराइयों पर फोकस करते हो, उस स्थिति की बुराइयों को खोजते हो, इसीलिए तुम खुशी खुशी जी नहीं पाते हो।